इस वक्त जम्मू कश्मीर में तैयारी चल रही है लोकल लेवल चुनाव की और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गला घोटने की कोशिश कर रही है लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने मगर आवाजों को कैसे दबाया जाए, कैसे वहां पे चुनावों को मैनिपुलेट करा जाए, क्योंकि मैं जो तस्वीरें दिखा रही हूं वो देखिए कि किस प्रकार से गांव-गांव में लोग उमड़ उमड़ के निकल रहे हैं कांग्रेस के समर्थन पे। और ये मत भूलिएगा कि इसके पहले पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी कि उनसे नाखुश हो गए। उनसे क्यों नाखुश हुए, क्यों नहीं आप भरोसा जीत पाए उनका कि आप दोबारा से चुने जाते। आप तो कह रहे थे सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो आपके पांच पांच केंद्रीय मंत्री जिसमें नाम सुन लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन वगैरह वगैरह जाके बैठे हुए हैं कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए, मगर आप विपक्षियों को रोक रहे हैं। मैंने यहां तक सुना है कि कुछ विपक्षी नेताओं को तो डिटेन कर लिया गया ताकि वे अपना पर्चा तक ना भर सके। भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि अब उनका जाने का वक्त आ गया है चुनावी प्रक्रिया के तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए ये तस्वीर, देखिए इस भीड़ को, कश्मीर के गांव का ये दृश्य है और आप देख सकते हैं इस भीड़ को कितने आप ध्वज देख सकते हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के झंडे लिए आखिर कौन है ये लोग। यहाँ पर लोकल लेवल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है और अब न केवल वो भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा रही है, परंतु वे ऑपोजिशन को प्रचार करने ही नहीं दे रहे। उनके खुद के केंद्रीय मंत्री वहां बैठे हैं प्रचार करने को, मगर डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी कश्मीर में 2014 में, पर लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया, लोगों का भरोसा तोड़ा है उन्होंने और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।